हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फाइनली हमारे पास आ चुका था Realme X7 Max। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके साथ शेयर की थी और फाइनली उस वीडियो के नीचे आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि भाई Realme X7 Max के हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि Realme X7 Max के अंदर आप लोगों को कौन कौन से हिडन फीचर्स देखने को मिलते हैं, वॉइस चेंजर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, 4G वाइब्रेशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इस टाइप की वीडियो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाल कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों बात करें सबसे पहले फीचर की, तो वो फीचर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर कनेक्शन एंड शेयरिंग में। फाइनली आप लोगों को NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसको यूज करके आप लोग अपनी पेमेंट को बहुत ही सिक्योर मेथड से कर सकते हो। इसी के साथ किसी और मोबाइल फोन में अगर आप लोगों को डाटा भेजना है, वीडियोज, फोटोज, वेब पेजेस, इसी के साथ और भी आप लोगों की जो डाटा फाइल्स हैं, आप लोग उनको इजी मेथड से ट्रांसफर कर सकते हो। सो फाइनली NFC का जो सपोर्ट है वो भी आप लोगों को Realme X7 Max के अंदर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों Realme X7 Max के अंदर आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 2.0 का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। इसी के साथ बात करें अगले फीचर्स की, तो वो आप लोगों को देखने को मिलता है पर्सनलाइजेशन के सेक्शन में। वेल यहाँ पर आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसी के साथ एमोलेड ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट ओनली और भी कस्टम पैटर्न्स के जो इमेजेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं और आप लोग इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो Realme X7 Max के अंदर आप लोगों को रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट करने का, चेंज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के सेक्शन में जाइए, मोर के सेक्शन में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। वेल आप लोगों को 60Hz और 120Hz के दो रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं और 120Hz काफी स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेटिंग के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन में। वेल आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेशन इंटेंसिटी का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। आप लोग वाइब्रेट ऑन रिंग के ऊपर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आप लोगों को कितनी वाइब्रेशन चाहिए, आप लोगों को टच के ऊपर कितनी वाइब्रेशन चाहिए, ये भी आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो डॉल्बी एटम्स हैं इनका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और इनको यूज करने के बाद आपके डिवाइस की जो साउंड क्वालिटी है काफी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अब इसके साथ दोस्तों अगर आप लोगों को अपने आइकन पैक्स को कस्टमाइज करना है तो ये ऑप्शन भी आप लोगों को Realme X7 Max के अंदर देखने को मिलता है। वेल आप लोग अपने हिसाब से अपने जो आइकन पैक्स हैं इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। साथ में आप लोगों को यहाँ पर मटेरियल स्टेट और पेवल और आइकन साइज को एडजस्ट करने के जो ऑप्शंस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो वो फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे बैटरी के सेक्शन में। वेल आप लोग बैटरी का सेक्शन जैसे ओपन करोगे आप लोगों को पावर सेविंग मोड, सुपर पावर सेविंग मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ मोर बैटरी सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड, ऑप्टिमाइज मोड और भी बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। साथ में ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वेल ये फीचर्स कुछ डिवाइसेस में मिसिंग था लेकिन इस डिवाइस में आप लोगों को देखने को मिलता है बैटरी के सेक्शन में। दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो वो फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर एडिशनल सेटिंग्स में। आप लोगों को जाना है डेट एंड टाइम के अंदर, आप लोगों को यहाँ पर ड्यूल क्लॉक का जो ऑप्शंस है वो भी देखने को मिल जाता है। आप लोग अपनी होम स्क्रीन के ऊपर ड्यूल क्लॉक को यूज कर सकते हो। वेल आप लोगों को यहाँ पर दो डिफरेंट सिटी सिलेक्ट करना है, उनका जो टाइमिंग है आप लोगों को आपकी होम स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो वो फीचर्स रहा 4D वाइब्रेशन के रिगार्डिंग और वॉइस चेंजर के रिगार्डिंग। वेल यहाँ पर ऑफिशियल गेम स्पेस की बात करें तो आप लोगों को इसके अंदर फाइनली 4D वाइब्रेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये वर्क भी करता है, मैंने खुद टेस्ट किया है PUBG मोबाइल के अंदर। इसी के साथ इस डिवाइस में आप लोगों को जो वॉइस चेंजर का सपोर्ट है अभी देखने को नहीं मिलता लेकिन फाइनली फ्यूचर्स में 110%
जो वॉइस चेंजर का फीचर्स है इस डिवाइस में ऐड होगा। और फाइनली जो 4D वाइब्रेशन का फीचर्स है वो यहाँ पर वर्क करता है। इस गेम से इसका लिंक मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो काफी सारे यूजर बोलेंगे भाई इस टाइप की क्लॉक हम लोग अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करें। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोगों को बता दूं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में या अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो क्लॉक एप्लीकेशन है इसका लेटेस्ट वर्जन आप लोगों के साथ शेयर किया होगा। आप लोगों को सिंपली जाना है, इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले जाना है विजिट के सेक्शन में। जैसे आप लोग विजिट के सेक्शन को ओपन करोगे सबसे ऊपर आप लोगों को चाइनीज में एक विजिट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर टैप करोगे फाइनली ये वाला क्लॉक का जो विजिट है वन प्लस का वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो इस टाइप से आप लोग इस टाइप का जो क्लॉक का विजिट है अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। अब दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कैमरा के साइड में जो बैटरी इंडिकेटर है इसको कैसे अनेबल किया। तो फाइनली आप लोग भी अगर अपने डिवाइस में इस टाइप का जो बैटरी इंडिकेटर अनेबल करना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। जैसे आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम आप लोगों को देखने को मिलता है एनर्जी रिंग। सिंपली आप लोगों ने जाकर के इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे थोड़ी सी सेटिंग आप लोगों को यहाँ पर करनी है और उसके बाद आप लोग इस टाइप का जो बैटरी इंडिकेटर है कैमरा के आउटसाइड अपने किसी भी रियलमी या किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में अनेबल कर सकते हो। अब इसके साथ दोस्तों आप लोगों को रियलमी X7 मैक्स के अंदर एक दिक्कत देखने को मिलती है कि आप लोगों को यहाँ पर फाइनली जो गूगल डायलर है उसका सपोर्ट देखने को मिलता है और जो गूगल की मैसेज एप्लीकेशन है उसका सपोर्ट देखने को मिलता है। वेल अभी तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है कि आप लोग ऑफिशियल जो रियलमी के डायलर और मैसेज APK हैं उनको कैसे इंस्टॉल करें, तो आप लोग वेट कीजिए जल्दी उसके रिगार्डिंग वीडियो आएगी कि आप लोग कैसे इनको रिप्लेस कर सकते हो ऑफिशियली रियलमी एंड ओप्पो के जो डायलर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनसे। अब दोस्तों बात करें अगले फीचर की, तो वो फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा फोन मैनेजर एप्लीकेशंस के अंदर। वेल आप लोगों को क्लीन अप स्टोरेज और वायरस स्कैन के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं और फाइनली काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, कोई भी इशू जो है इनमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। इस फोन मैनेजर एप्लीकेशंस का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन या अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। और ये आप लोगों को इंडियन वर्जन देखने को मिलता है, कोई भी चाइना और कोई भी ग्लोबल वर्जन देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो वो फीचर्स आपको कैमरा के अंदर देखने को मिलेंगे। वेल यहाँ पर वीडियो के सेक्शन में आप लोगों को जो 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग है रेजुलेशन है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वेल आप लोग 60 FPS तक इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी के साथ कैमरा के सेक्शन में यहाँ पर आप लोगों को ड्यूल व्यूड वीडियो और स्लो मोशन का जो फीचर्स है वो भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई Realme X7 Max के हिडन फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स के रिगार्डिंग। जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स में आप लोगों को देखने को मिलते थे वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब दोस्तों मेन बात आती है Realme एंड Oppo डिवाइस की सिस्टम एप्लीकेशंस के अपडेट्स को लेकर के। तो आपको पता होगा सेटिंग्स के अंदर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता सिस्टम एप्लीकेशंस को अपडेट करने का। तो फाइनली मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में Realme सिस्टम ऐप अपडेटर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, इस ग्रुप को जाकर के आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को डेली Realme एंड Oppo डिवाइस की जितने भी सिस्टम एप्लीकेशंस के अपडेट्स आते हैं वो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। और आप लोगों को प्राइवेसी के रिगार्डिंग भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जितनी भी APK आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलती हैं वो ऑफिशियली रॉम फाइल से एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती हैं। सो फाइनली दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।